कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो बंगाल की जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति इस वक्त मौजूद है धर्मतल्ला के डोईना क्रॉसिंग पे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह भाजपा समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा समर्थक का आरोप है कि बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा के काफिले पे डायमंड हार्बर में हमला किया। भाजपा समर्थक का आरोप है जिस तरह तृणमूल सरकार ने हमला किया वो बहुत ही कायदापूर्वक है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा समर्थक पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह की हमले किए गए हैं। उन्होंने पुलिस के साथ साथ हमलावरों पर कार्रवाई की मांग करें। लगातार देख सकते हैं किस तरह ट्रैफिक पूरी तरह से बंद पड़ा है। भाजपा समर्थक गाड़ियों के सामने बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अपिता के साथ मैं दीपक शर्मा कोलकाता। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो बंगाल की जनता कहां सुरक्षित रहेगी। बंगाल में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम सुरक्षित नहीं है। ये आज प्रमाण हुआ कि जिस देश में एक लोकसभा में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ रही है तो उस देश में ये बंगाल क्या भारतवर्ष से अलग है? यहाँ भारत का कानून लागू नहीं होता है? ममता बनर्जी क्या भारत के संविधान को नहीं मानती है? तो इसलिए जब नहीं मानती है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर और इस शासन को अपने अधिकार में लेने का दरकार है राष्ट्रपति जी को। हम लोग धरना में बैठे हुए हैं दृष्टि आकर्षण करने के लिए। बंगाल की सरकार और पूरे दुनिया के लोग देखें और विशेषकर राष्ट्रपति महोदय देखें कि बंगाल में शासन नहीं है।